स्वागत है आपका एसबीटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आभा और आज की खास खबर कुछ इस प्रकार है। विश्व विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन का कहना है कि देश में 3 राज्यों में हृदय रोग का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ये राज्य राजस्थान, पंजाब और गुजरात है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोगी हार्ट के हैं। हिंदुस्तान में यह 10 से 12% है तो अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ 3 से 4% ही है। इसी तरह शुगर रोगी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ आदि में हृदय रोग है, उनके बच्चों में यह रोग डबल होने की आशंका रहती है। उन्होंने यह जानकारी राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में रविवार 6 अप्रैल को देश के प्रसिद्ध मेदांता दी मेडिसिटी हॉस्पिटल के फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर कहा। गंगानगर के सब निवासियों को, डॉक्टर सिहाग को, उनके साथियों को बहुत 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 मुबारक कि आज एक इतना बड़ा माइलस्टोन आया है कि डॉक्टर सिहाग के माध्यम से और हमारी असिस्टेंट से जो दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो यहाँ अभी उपलब्ध कराई जाएगी। जब हिंदुस्तान 20 साल पहले छोड़ के गया था, अमेरिका में था 20 साल, तब दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में कोई तहजीब थी, कोई फैमिली स्ट्रक्चर था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी। जब मैं वापस आया हूँ 20 साल बाद, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली की हर एक फैमिली में झगड़ा, पैसे के ऊपर, लैंड के ऊपर, एक दूसरे को गालियां। अमेरिका, इसका मतलब जो मैं हिंदुस्तान वापस ढूंढने आया था वो खत्म हो चुका है। पर जिस दिन मैं भैरव सिंह जी को मिला और उसके बाद राजस्थानी के लोगों से संपर्क बढ़ता गया कि वो जो सुकून मुझे मिला कि आप लोगों में फिर भी वो कल्चर है, वही भी फैमिली स्ट्रक्चर है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, जो दिल्ली और उसकी सराउंडिंग एरिया में खत्म हो चुकी थी। तो इसीलिए तब से काम दिमाग चलता रहा और बात होती रही। गंगानगर के कई पेशेंट्स आए तो वहां बोलने लगे, मेरे को तो ये एहसास था कि गंगानगर में सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहां मुझे बताएं कि वहां सबसे बड़ी खेती राजस्थान की गंगानगर में होती है। तो मतलब कई बातें सुनने को आई और कई सज्जन जो आए, राजस्थानियों से लगाव बढ़ता गया। आज का दिन जब डॉक्टर सिहाग मिलने आए, आज से कोई 6 महीने 8 महीने पहले की बात होगी, डॉक्टर सिहाग, मैंने, हमारे पास हफ्ते में कम से कम 3-4 लोग आते हैं कि जी हमारे हॉस्पिटल से अफिलिएशन कर लो, साथ मिला लो, ये कर लो, वो कर लो। पर हमने गिने चुने 1-2 से पहले करी, फिर डॉक्टर सिहाग आए। डॉक्टर सिहाग के 15 मिनट बात करने से पहले मुझे ये एहसास हुआ कि वो ये सही आदमी है जिनके साथ हम हाथ मिला सकते हैं। और उसी टाइम फैसला किया गया कि जो भी कुछ होगा, सिहाग साहब का मन मुझे समझ आ गया कि इनकी जो सेवा और डिसेंसी और ऑनेस्टी की भावना मुझे समझ आई, उसी के ऊपर ये आज हमारा जो इनॉग्रेट हो रहा है, हमारी पार्टनरशिप, ये उसी विश्वास से हुई है और ये विश्वास गंगानगर के लोगों का है। 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए कि आज के दिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हृदय रोग है, हार्ट की बीमारी है। अमेरिका में 3-4% है, हिंदुस्तान में 10-12% लोगों को होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 3 स्टेट्स हैं जिनमें वो सबसे ज्यादा है, और पंजाब, गुजरात और आप लोग भी, राजस्थान भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता था आपको कि एक तो ये एहसास हो जाए कि सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं या हार्ट की नलियों में रुकावट आ रही है वो राजस्थान में बहुत हाई है। दूसरा जो हम हिंदुस्तान में और बड़ी बीमारी है वो है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। तो शुगर की बीमारी भी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है
और दोनों के लिए आपको मैं एक बात ही छोड़ के जाना चाहता हूँ कि एक तो अगर जो किसी के घर में माता पिता भाई बहन चाचा अगर जो इनको हार्ट की बीमारी है तो उनके बच्चों को हार्ट की बीमारी होने का डबल चांस होगा। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन बच्चों का चेकअप 25 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए कि उनके रिस्क फैक्टर हैं। अगर जो रिस्क फैक्टर हैं तो उनको उसी टाइम रिवर्स किया जाए कि वो दिन ना आए जिसमें उनको हमारी जरूरत पड़े। ये बिल्कुल संभव है, सिर्फ आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जिसकी फैमिली में हार्ट डिजीज चल रही है और वैसे ही डायबिटीज है, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है उनके बच्चों को भी डबल चांस है डायबिटीज होने का। इन दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखना है और हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है सबसे। और फिर जनरल पॉपुलेशन के लिए 30 साल की उम्र पर आप लोगों को हर एक को अपना एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि उससे पता लग जाता है कि किस तरफ लाइफ जा रही है। और आज के दिन में मेडिसिन में इतनी नॉलेज है कि जो भी जिस तरफ भी जा रही है उससे आपको बचाया जा सकता है, पर के ठीक टाइम पे पता लग जाए। जब हार्ट अटैक हो जाए तब पता लगे तो बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि जब हम हार्ट अटैक से पहले इसको पकड़ते हैं तो 99% चांस है कि वो शख्स अपनी जिंदगी पूरी निकालेगा और हेल्थी निकालेगा। अगर जो उसको हार्ट अटैक पहले हुआ तो 20% चांस है कि तो पहले ही 10-15% तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही, फिर 10-15% उसके एक साल बाद के अंदर ही 20-30% लोग ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक होने से पहले अगर जो पकड़ा जाए कि हार्ट की बीमारी हो रही है, और शुगर वालों को छाती में दर्द नहीं होता इसलिए हम कहते हैं कि उनका चेकअप रेगुलरली होना चाहिए। अगर जो आप ऐसा अमल करेंगे तो आज मेरा यहाँ विजिट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कि इतनी मैंने बात आपको सुना दी। इससे पूर्व मेदांता एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर एसएल सिहाग ने श्री गंगानगर में मेदांता के फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल लाने की यात्रा के बारे में बताया। मैं सर का धन्यवाद या शब्द ये बहुत छोटे हैं इनके लिए, मेरे लिए ही नहीं अपितु गंगानगर हनुमानगढ़ इस एरिया की जनता को ये एक जो तोहफा है ये डॉक्टर त्रिहान साहब और डॉक्टर राजा बाबू साहब की देन है। हमने तो इसको बनाने का एक काम किया है, बाकी जो इनका दिमाग इनकी इच्छा शक्ति इन्हीं की थी तभी ये संभव हो पाया। तो सब लोग आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेदांता ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भारी जनसमूह के बीच फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम अध्यक्ष आरयूएचएस जयपुर के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजा बाबू पवार और विशिष्ट अतिथि क्रिटिकल केयर एवं एनेस्थीसियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर यतीन मेहता, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर आर कासलीवास, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक वैद्य और यूरोलॉजी एवं एकेडमिक्स एंड रिसर्च के चेयरमैन डॉक्टर एनपी गुप्ता थे। कार्यक्रम में विकास सिहाग ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मंजीत निर्वाण, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर संदीप सिहाग और सुरेंद्र ढाका सहित संस्थान के सहयोगी श्याम जैन, अजय गुप्ता आदि ने मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube वेब चैनल SBT News को। धन्यवाद।